सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बड़े होंगे। तो आज हमारे पास है लॉजिटेक की तरफ से आने वाला MK240 नैनो। कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा ये कॉम्बो है और मैंने अमेजोन पे देखा काफ़ी लोगों ने इसे परचेस कर रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू कर दिया जाए। सो ये वैसे मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेस करा है। मेरे पास एक टैबलेट है, मैं उससे कनेक्ट करूँगा इसे। मैं वीडियो में अभी आगे आपको दिखाऊंगा भी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अगर बॉक्स की बात करें तो कुछ ऐसा खास आपको देखने के लिए नहीं मिलता बॉक्स पे, और वैसे मैं इसे ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट करना था, लेकिन मैंने आपके लिए दोबारा से पैक कर दिया है ताकि अनबॉक्सिंग वाली फील तो थोड़ी आ सके। सो जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा आपका कनेक्टर रखा हुआ, आप देख सकते हैं, और साथ ही में आपको मिलेगा इसके अंदर माउस, देखेंगे अभी। और पीछे की तरफ से जैसे हम इसे ओपन करेंगे यहाँ आपको मिल जाएगा आपका कीबोर्ड रखा हुआ, बाकी और कुछ बॉक्स में नहीं मिलता है। सो ये हमारा कीबोर्ड, इसे निकाल लेते हैं और मिल जाएगा आपको इसके अंदर पेपर वर्क जो किसी काम का है नहीं। सो ये हमारा कीबोर्ड। सो फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा है ये कीबोर्ड, आप देख सकते हैं। मैंने सोचा था थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन साइज़ इसका वाकई में काफ़ी स्मॉल सा है। अगर आपको अपने बैग वगैरह के लिए लेना है ये, तो आप आराम से इसे परचेज कर सकते हैं। अभी देखेंगे आगे। और अगर अपने माउस की बात करें, सो माउस भी बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ का है, आप देख सकते हैं पूरे हाथ पे भी ये नहीं आ रहा। और जो उनके कलर्स है बहुत ज़्यादा फंकी टाइप का कलर है, इसमें एक आता है वाइट एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन, तो मुझे ये बेटर लगा। आप भी परचेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो और ये मिल जाता है आपको कनेक्टर, जो कि आप इसी माउस के अंदर लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। वैसे इसके साथ हमें सेल भी मिले थे, मैंने इसे डाल लिए हैं पहले टेस्ट करने के लिए, तो आप इसे यहाँ लगा सकते हैं काफ़ी आराम से और ये बंद हो जाएगा। बाकी अगर और बात करें हम कीबोर्ड की, तो पीछे की तरफ आपको कुछ रबर्स मिल जाएंगी ताकि ये जब आप डेस्क पे रखें तो बिल्कुल अच्छे से रखा जाए। साथ ही में यहाँ पे आप देखें तो दो सेल डलेंगे इसके अंदर जो इसी के साथ आते हैं, और ये आपको साइज़ एडजस्ट करने के लिए मिल जाएंगे दो, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं मुझे कभी कभी करें। तो यहाँ सारी चीज़ आपको मिल जाती है, इसमें सिर्फ आपको नंबर पैड देखने के लिए नहीं मिलेगा, नंबर जो है वो अलग से आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ ही में अगर एक इसके मैं ड्रॉबैक की बात करूँ जो है इसमें, वो है इसके बटन्स। आपको ये थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप शिफ्ट का बटन क्लिक करेंगे समटाइम्स, जैसे आप जल्दी में, तो साथ ही साथ में ये भी क्लिक हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में गैप काफ़ी कम है। जब आप ये क्लिक करते हैं ये क्लिक हो जाता है, सो थोड़ा सा ये इरिटेटिंग हो जाता है। अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं लगती तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ओवरऑल वैसे तो काफ़ी बढ़िया है। साथ ही में बात कर लें अगर हम इसके फंक्शंस की, तो ये सारे फंक्शंस कुछ इसमें जो फंक्शंस है लाइक शिफ्ट प्लस F3, ये एंड्रॉयड में आपका वर्क नहीं करेगा अगर आपको इसे लैपटॉप वो मोबाइल से कनेक्ट करना है या फिर एंड्रॉयड टैबलेट से। कुछ फंक्शंस इसके विंडोज़ में भी काम करते हैं, सो आप इसे अपने PC से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इसके डिज़ाइन की बात करें, सो काफ़ी फंकी सा डिज़ाइन है, ग्रीन एंड ब्लैक कलर इसे बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। आप इसे अगर अपने डेस्क पर रखेंगे तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपके डेस्क लगेगी। और अगर हम इस अपने माउस की बात करें, सो आपको इसमें दो बटन्स मिल जाते हैं, ये स्क्रॉल करने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में अगर यहाँ इसकी बात करूँ मैं, तो ये आपको यहाँ मिलेगा विदाउट लाइट सेंसर। यस दोस्तों, जो नॉर्मल माउस में रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती रहती है वो इसमें नहीं करती, ये काफ़ी अच्छी बात है इसमें, क्योंकि जब आप इसे कहीं भी रख के यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ होता है। मैंने करके देखा है, विदाउट माउस पैड भी ये आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो इसका सेंसर बहुत ही बढ़िया है। ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, सो ये ऑफ रहेगा, जैसे ही आप इसे ऑन करोगे कीबोर्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसमें कोई आपको एक्सटर्नल बटन नहीं मिलता है, तो ये इसके एक ड्रॉबैक आप समझ सकते हैं। सो मैं इसे कर लेता हूँ एक बार ऑन, और आप अपना कनेक्टर निकाल लेंगे इसमें, और अब इसे कर लेते हैं कनेक्ट अपने टैबलेट से। ये भी मैंने एक परचेज किया था साथ में माउस पैड, आप देख सकते हैं, ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो या पास में भी आपके कहीं मिल सकता है कंप्यूटर शॉप पे। तो इसे रख लेते एक बार माउस को अपने माउस पैड के ऊपर, और यह है मेरा टैबलेट सैमसंग टैब S6 लाइट।
अगर आपको इसकी फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर डली हुई है, ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि आपको ये 2024 में परचेस करना चाहिए या नहीं, तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो जल्दी से इसे कर लेते हैं एक बार कनेक्ट। सो अगर ये आपको अपने टैबलेट या फिर फ़ोन से कनेक्ट करना है तो आपको ये OTG एक परचेस करनी पड़ेगी, जो आप खरीद सकते हैं, ये 50-60 रुपए की आपको मिल जाएगी मार्केट में, आप देख सकते हैं। सो इसे लगा लेते हैं अपने टैब में एक बार। तो ये लग चुकी है और बस आपको ये कनेक्टर इसमें अटैच कर देना है कुछ इस तरह से। और आपका काम फिनिश हो चुका है। बस फिर जैसे आप इसे देख सकते हैं, ये मैंने ऑन कर रखा था, अगर आप इसे ऑफ कर दोगे लेकिन कीबोर्ड वर्किंग रहेगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख रहा हूँ तो ये टाइप हो रहा है। सो कीबोर्ड आपका ऑन रहेगा कनेक्ट करने के बाद, लेकिन माउस वर्क नहीं करेगा। सो इसे ऑन कर लेते हैं और एक बार अपना पासवर्ड डाल देते हैं इसमें। सो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ये काम करता है। और ये हमारा माउस पॉइंट आ चुका है स्क्रीन पे, आई होप आप देख सकते हैं। ओके, सो एक बार इसकी टाइपिंग स्पीड हम चेक कर लेते हैं। सो नोट्स में जाके हम कोई रैंडम नोट्स उठा लेते हैं। सो इसकी टाइपिंग स्पीड हम चेक कर लेते हैं एक बार, मैंने यहाँ ओपन कर दिया। सो इसे टाइप करके देखते हैं एक बार। सो आप देख सकते हैं टाइप तो बहुत अच्छे से ही कर रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं अब इसके साउंड की, कि इसके जब इसे टाइप करते हैं और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो साउंड कैसी आती है। वैसे माउस भी बहुत फास्ट वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं, कुछ भी अगर मैं इस पर करूं क्लिक तो एकदम से वर्क कर रहा है। सो अगर आपको ये प्रोफेशनली या फिर ऑफिस का वर्क करने के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये आपके लिए रहेगा। अगर आपको एक कॉम्बो और कॉम्पैक्ट सा कीबोर्ड एंड माउस चाहिए, जो स्मॉल आप देख सकते हैं मेरे टैब के ऑलमोस्ट इक्वली आ रहा है, बस थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है यहाँ पे। सो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा आप इसे समझ सकते हैं और माउस तो है ही काफ़ी। सो एक बार इसके साउंड में आपको चेक करा देता हूँ कि ये टाइप करते हुए कैसी आवाज़ आ रही है इसमें से। हो सकता है माइक पे काफ़ी ज़्यादा इसकी आवाज़ आ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो साउंड्स है वो बिल्कुल नॉर्मल सी है, इरिटेटिंग साउंड इसकी नहीं है, ये नहीं ज़्यादा तेज़ आ रही हो। आई नो माइक पे काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, लेकिन अगर मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊँ तो इतना ज़्यादा साउंड ये नहीं करता है। अगर आप इसे नाइट में वर्क कर रहे हैं इसे तो कोई परेशान नहीं होगा, बहुत ही इसका लाइट साउंड है। सो ओवरऑल अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये मैंने परचेस किया था 1500 रुपीज़ का। इसके प्राइस चेंज होते रहते हैं, आप चेक इट आउट कर सकते हैं अमेजोन से, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यही था इसकी आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इस पर पूरी डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।